बोला ना सर मेरे साथ, वी आर डूइंग एस ए 200। यह बात करता हूं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर के बारे में, क्लियर है। अच्छा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या शायद का आर ए एस, पहले क्या कहता रहा यहां पे, रीजनेबल अश्योरेंस। सो फर्स्ट यू लुकिंग एट व्हाट रीजनेबल अश्योरेंस दैट इट इज फ्री फ्रॉम व्हाट मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। सर सेकंड आएगा उसके बाद दे शुड गिव अस द अकाउंट एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड वी शुड अप्लाई आर ओन व्हाट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या बोला, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। पहले अपने डायग्राम देखा था, डायग्राम अपने देखा था कि अपने को पहुंचना है कहां पे, रीजनेबल अश्योरेंस लेवल तक, तो रीजनेबल अश्योरेंस लेवल। और अपने को उसके लिए ऑप्टेन क्या करना पड़ेगा, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। सफिशिएंसी इज मेजर ऑफ क्वांटिटी एंड एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ क्वालिटी। अच्छा, एज एन ऑडिटर मेरे को दो यहाँ पे क्वालिटीज चाहिए, आई वांट टू क्वालिटीज एज एन ऑडिटर। पहला क्वालिटी कौन सा दे रहा है यहाँ पे, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। दूसरा क्वालिटी कौन सा दे रहा है, प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म इज बेसिकली व्हाट, क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट ऑन सिचुएशन, नॉट टू एक्सेप्ट एनीथिंग ब्लाइंडली। तो राइट, नथिंग बट हैविंग अ क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट ऑन सिचुएशन, नॉट टू एक्सेप्ट एनीथिंग, क्या बोल रहा हूं मैं, ब्लाइंडली। अच्छा, नेक्स्ट आगे दे रहा है यहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट, इट इज विल कम फ्रॉम वेयर, नॉलेज एक्सपीरियंस ट्रेनिंग, सो दैट वी कैन टेक व्हाट, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस यूजिंग व्हाट, एथिकल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आराम से अपने देखा यहाँ पे, नॉलेज एक्सपीरियंस ट्रेनिंग, इन्फॉर्म डिसीजंस एंड एथिकल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, व्हेन इज प्रोफेशनल जजमेंट नेसेसरी, मनोज डीसी पहले क्या कहता है यहाँ पे, मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क, नेचर एक्शन टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, इवैल्यूएटिंग मैनेजमेंट जजमेंट एंड लास्ट में क्या आएगा, ड्रॉइंग ऑफ कंक्लूजंस। यहाँ तक परफेक्ट नहीं जाएगा। ऑडिट रिस्क के तेरे तीन प्रकार कौन से आएंगे तेरे ऑडिट रिस्क में यहाँ पे, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डायरेक्शन रिस्क। वेरी इजी, अच्छा टेल मी व्हाट आर द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, क्या क्या है, कॉपी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड इंटीग्रिटी। ऑल्सो लास्ट में इंडिपेंडेंस ऑफ अपियरेंस शुड ऑल्सो बी देयर विद इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड। ट्राई द ट्रू एंड फेयर व्यू के सेक्शन नंबर कहां के, यहां पे ट्रू एंड फेयर व्यू लिखा हुआ है 128। अच्छा 128 यू ऑलरेडी नो, इट डील्स विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 128 1 128 129 का 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 134 सबसेक्शन 5 क्लॉज बी डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट एंड ऑडिटर्स का ड्यूटी, 143 सबसेक्शन 2। परफेक्ट, यहां तक क्लियर है, ये कौन सा आता है यहां पे, दिस इज योर एसए 200। बोल द स्टैंडर्ड नेम इज जो मैंने किया था, ये आ गया था यहां पे एसए 210 अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। क्लियर है, खाली ब्लॉक्स याद रखना, पहले तो था प्री कंडीशन, कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर, भाई जरा तीन आएगा अगर उन्होंने धोखा दिया कभी, प्रायर टू एंगेजमेंट, ड्यूरिंग एंगेजमेंट एंड रेकरिंग रहेगा तो क्या। क्लियर है, आराम से देख एंड फ्लो में आराम से खत्म कर। बोल, इन प्री कंडीशन व्हाट आर वी डूइंग हियर, इन प्री कंडीशन व्हाट आर वी डूइंग, पहले वील गेट द अपॉइंटमेंट लेटर एंड वील बी प्रोवाइडिंग द एंगेजमेंट लेटर। अच्छा, वील फर्स्ट एक्सेप्ट द अप्लाइड AFRF। अच्छा, देन गिव द मैनेजमेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, ऑब्टेन द मैनेजमेंट अग्रीमेंट दैट द FS इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग विद AFRF एंड बी में क्या आएगा, Maintenance of internal control for preparation of FS, which is free from material misstatement. Acha, provide the auditor with access to all information, additional information on request, unrestricted access to any person within the entity. Simple yahan tak. Acha, baad mein tera next aayega dost. Kaun sa wala? Contents of the engagement letter. Bol contents mein. Pehle kya aayega tera pe? Tera principal matters. That is OREID form. Bol O se kya aayega? Objective and scope, reset, responsibility of the auditor, responsibility of the management, identification of AFRF and expedited form and content of report. Yahan tak clear hai? Acha, the additional matters in the engagement letter, diagram banaya tha apne. Pehle kya aayega yahan pe? Scope, fir kya aayega? Communication, kya hoga? Communication in relation to the audit. Acha, uske baad inherent limitation, uske baad kya aayega? Planning and performance, uske baad do document. Draft financial statements, sorry, written representation and draft financial statement. Thoda upar, fees, usse upar, acknowledgement, niche, peer review, subject to peer review, superb. Achha, there are additional matters when relevant bhi easy hai. Ek minute, pehle aayega tera 510, deals with predecessor auditor, this will come to note, don't worry. Baad mein next aayega 600, other auditors, achha tera 610, internal auditor, 620, experts, law, ऑडिटर्स लायबिलिटी पे रेस्ट्रिक्शन, ए से क्या आएगा, फर्दर अग्रीमेंट्स एंड डब्ल्यू से वर्किंग पेपर्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, तो उसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। क्लियर है, ओके, वेरी नाइस। बोल यहां पे प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट लिमिटेशन इज इंपोज्ड बाय द मैनेजमेंट, तो क्या करेंगे अपन यहां पे, नॉट एक्सेप्ट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। अभी सीए बोल, ड्यूरिंग द एंगेजमेंट अगर हुआ तो क्या करेंगे अपन यहां पे, चेक इफ देयर इज लो लेवल ऑफ अश्योरेंस, इफ इट इज नॉट देयर देन
No problem. If it is there, then reasons. Reasons is unsatisfactory, then we should not change. But management still insists that we should change. Withdraw from the engagement. Plus, communicate to the management, shareholders, and regulatory authority, if any. So next I got recurring audit. जनरली अपन एंगेजमेंट लेटर चेंज नहीं करेंगे, लेकिन कब चेंज करने की जरूरत पड़ेगी दोस्त? मिसिक ऑन सीनियर लीगल फायर, मिस से एमआई से क्या आएगा? मिस अंडरस्टैंडिंग, माने ऐसे स्पेशल टर्म्स और रिवाइज टर्म्स, सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप, सिग्निफिकेंट चेंज इन नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, चेंज इन मैनेजमेंट, चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, चेंज इन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, एंड चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एंड लास्ट में other reporting requirements, other reporting requirements. Easy. Let's revise. बोल SQC1 में first we are looking at what are the elements of SQC1. Clear है? तो इसमें क्या क्या elements आएगा? पहले क्या आएगा तेरा leadership responsibility, लगान वाला story, लगान वाला. पहले क्या आएगा? Leadership responsibility. फिर क्या आएगा? Ethical requirements including इंडिपेंडेंस, माने क्या आएगा? एसेट एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्सेज, अच्छा उसके बाद एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, लास्ट अपन क्या कर रहे हैं? मॉनिटरिंग. अपन जब भी बोलते हैं लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट मींस कोई तो पॉलिसी बनाएगा और पॉलिसी अपन को बताना पड़ेगा. पॉलिसी बनाएगा कौन? सीनियर मैनेजमेंट, सीईओ. अच्छा तेरा पॉलिसी बताएगा किसको? अपन एम्प्लॉयज एंड स्टाफ. अच्छा वी हैव टू ऑल्सो कंप्लाई विद द एथिकल रिक्वायरमेंट्स. एथिकल रिक्वायरमेंट्स मींस व्हाट? कॉपी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर, इंटीग्रिटी, प्लस पॉलिसी और इंडिपेंडेंस होना चाहिए. वन में थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस देखना चाहिए अपने को. लास्ट में क्या आएगा यहाँ पे? एनुअल डिक्लेरेशन जो करना चाहिए रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस. सिंपल है यहाँ पे, ये पॉलिसी होना चाहिए. अच्छा नेक्स्ट अपन देख रहे हैं, उसके बाद दैट इज एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप. पहले देने का क्लाइंट को नॉलेज, AFRF, प्रिंसिपल ओनर्स कौन, हिस्ट्री क्या, लास्ट में इंटेग्रिटी. वेरी नाइस. माने नेक्स्ट आएगा अपन खुद को देखेंगे, कॉम्पिटेंस, केपेबिलिटी, टाइम एंड रिसोर्सेज. सुपर. बाद में अपन खुद का एक और देखेंगे, एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस. लास्ट में सिग्निफिकेंट इश्यूज ऑफ द प्रीवियस ईयर्स. वेरी नाइस, इजी यहां तक क्लियर एकदम. अच्छा इसके बाद वी आर लुकिंग एट दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज. पहले अपन क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट. तो जो प्रॉपर रिक्रूटमेंट प्रोसेस बने क्या होगा उसका? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन. क्या चाहिए उसको? ट्रेनिंग. ट्रेनिंग से क्या उसका ग्रो होगा? कॉम्पिटेंस. क्या ग्रो होगा? कॉम्पिटेंस. एंड लास्ट में क्या होगा? करियर डेवलपमेंट नीड्स. क्या होगा? करियर डेवलपमेंट नीड्स. इजी यहां तक. अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आएगा एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, DEC, DSR, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू. नेक्स्ट क्या होगा तेरा उसके बाद? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा तो रिजॉल्व इट एंड देन वन ओपिनियन टू द क्लाइंट. अच्छा तेरा नेक्स्ट आएगा ई से एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू. अच्छा कौन कर सकता है रिव्यू? पार्टनर ऑफ द सेम फर्म, सी मेंबर ऑफ द सेम फर्म, सुटेबली क्वालिफाइड पर्सन एक्सटर्नली जो आएगा. एंड लास्ट में क्या आएगा? पीयर, दैट इज अ टीम, अ टीम लेड बाय अ सीए. वेरी नाइस. नेक्स्ट आएगा उसके बाद एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, मेंटेन्ड विद इन हाउ मेनी डेज? 60 डेज और फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. फॉर हाउ मेनी इयर्स? नॉट लेस देन 7 इयर्स. अच्छा इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑडिटर. इफ इट इज इन सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट देन पासवर्ड एंड बैकअप. सुपर. नेक्स्ट आएगा उसके बाद कंसल्टेंसी, इन द केस वी रिक्वायर एक्सपर्ट एडवाइस. वी रिक्वायर एक्सपर्ट एडवाइस. परफेक्ट यहाँ पे, नो इश्यूज. अपने कर लिया, एक काम करते 220 खत्म करते एक बार. तो 220 में क्या करते हैं? दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन एंगेजमेंट पार्टनर. व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर? पहले क्या करते हैं? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, लगान प्लस टू. क्या? लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी. बाद में टेक्निकल एथिकल रिक्वायरमेंट, उसके बाद इंडिपेंडेंस, उसके बाद क्या आएगा? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप. फिर क्या आएगा? असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम. वी विल हैव टू चेक द कॉम्पिटेंस. क्लियर है? अच्छा वो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. बाद में क्या आएगा? मॉनिटरिंग. लास्ट दो पॉइंट्स, difference of opinion and EQCR, that is engagement quality control review. Next hum dekh rahe hain yahan pe aise 230 ka revision. Okay, 231 basically kya dekh rahe hain yahan pe? Audit documentation. Kya dekh rahe hain yahan pe? Audit documentation. Now in this, what are we looking at in audit documentation? Pehle kya kehta hai wahan pe? That is pehle ka definition. These are the records that give evidence in relation to, kya bol raha hu main, audit procedures performed. क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहा हूँ? Audit procedures performed, audit evidence obtained, audit conclusions given. It is an evidence in relation to the
planning and performance of audit as per legal and regulatory requirements for overall objective achievement of audit. Simple yahan tak. Acha maine tere teen answers. Pehle, what are the important matters to be included in the auditor's report? In the audit documentation. Kya important matters hai? Pehle kya karna hai? Bolna specific items. Bani kya karega? Who performed the work? Uska the extent and date. Acha who reviewed the work? Uska date and extent. Acha uske baad? नहीं पहले ऑडिट द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स एंड द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन. अच्छा उसका ऑडिट एविडेंस का दो आएगा. सिग्निफिकेंट इश्यू रहेगा तो डिस्कस विद मैनेजमेंट. इनकंसिस्टेंसी रहेगा तो हाउ इनकंसिस्टेंसी वाज एड्रेस्ड एंड इफ समटाइम्स वी हैव टू गो फॉर ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स. एनी एक्सेप्शनल केसेस रिकॉर्ड हैव टू बी मेंटेन्ड इफ इट इज अ मैटर आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट. इफ यू कम टू नो आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट. सिंपल है यहां पे. अच्छा सेकंड, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. सिंपल है, फ्लो में आ जाना. पहले size and complexity of the entity of the organization. Bani kya aayega? Nature of the audit procedures and the risk of material misstatement. So for that, what we'll use? Audit tools and methodology. Audit methodology and tools used. Is sab mein do milega. Evidence milega, exceptions dikhega. So the evidence, significant evidence and exceptions identified. Last mein audit documentation ka do cheez. Drawing or conclusion should be given in the audit documentation and last mein timely preparation of the audit documentation. Yahan sab baki hai na? Audit documentation will provide assistance. क्या बोलो? Audit documentation will provide the assistance to the auditor in what always. सब लोग तेरी तो हाँ कर रहे हैं. क्या बोलो? पहले क्या आएगा? Plan and perform. मन में? Direct and supervise. उसके बाद क्या आएंगे? Review. उसके बाद? Accountable. मन में? Retain the record. उसके बाद? External inspection. Last में क्या? Quality review and inspection. Superb. You get the rank by 230. Bol Basat, we are doing SA 250 considerations of laws and regulations in audit. It can be used very commonly while writing the paper also. Aram se kar mere sath. Pehle apan dekh rahe hain yahan pe laws and regulations can be divided into two parts. Pehle which are directly affecting the financial statements. If that is the case, then we'll obtain sufficient and appropriate audit evidence. Perfect. Obtain SAE if it is directly affecting the financial statements. And second thing aayega yahan pe, if it has a material effect on FS in case of non-compliance. Agar aisa rahega to perform specified audit procedures. That what we feel in that circumstance. Clear? अच्छा next आगे तो रहे हैं यहाँ पे. What is non-compliance? It is any omission or commission. क्या बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे definition में दिखा लिखा है यहाँ पे. Omission or commission. बोल intentional unintentional दोनों चलेगा क्या इसमें? Yes. Intentional or unintentional. But it's which is contrary to the prevailing laws and regulations. Clear है? अच्छा what are the indicators of non-compliance? Unauthorized transaction, purchasing price significantly higher or lower than the market price. माने अपने क्या किया? Unusual payments in cash. माने क्या किया? Payment to countries other than the country where the goods and services originated. अच्छा माने क्या लिखा था उसके बाद? Payment to tax havens. अच्छा किया without exchange control documents. अच्छा तो क्या पढ़ा कौन अपने पीछे? Regulatory authorities. Superb. Last में क्या आएगा? Unsolicited loans to government employees. और उसके बाद adverse media comment. Easy. नेक्स्ट आया था, what are the possible effects of non-compliance? FGDT. Fines, penalties, damages, litigation, going concern. उसके बाद क्या आएगा? Required disclosure and bearing on the true and fair view. Very nice. What are the? How will you report in case of non-compliance? We'll report to the management, users of auditors report on FS, and last में regulatory authority, regulators को. What is the auditor's responsibility in relation to laws and regulations? पहले दिमाग से तीन. Understand the laws and regulation. See whether they have complied with it or not. And last week, professional skepticism. अच्छा मुंह से obtain written representation as per SA 580. And last week, हाथ से obtain SAE and perform audit procedures. Perform audit procedures. Easy, simple. बोल मेरे साथ आराम से कर. ये आएगा जरा पे SA 260. क्या बोलो? मैं SA 260 जो रिवाइज विद मी पहले आएगा. हुम टू कम्युनिकेट विद. बोल ऑटो टू कम्युनिकेट विद रेलेवेंट पर्सन चार्ज विद गवर्नेंस. बट इफ इट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड देन अग्रीमेंट. अग्रीमेंट में लिखना चाहिए कि किसे कम्युनिकेट करना चाहिए. ओके देन व्हेन विल बी कम्युनिकेट. पहले आएगा जरा पे बिफोर डूइंग द ऑडिट. तो बिफोर डूइंग द ऑडिट किसे कभी क्या कम्युनिकेट करेंगे अपन यहां पे? एक्सेप्टेंस के पहले. क्या? द मैनेजमेंट विल प्रिपेयर द एफएस एंड द ऑडिटर विल ऑडिट द एफएस. अच्छा बिफोर. अच्छा आफ्टर एक्सेप्टेंस बट बिफोर स्टार्टिंग द वर्क विल गिव द प्लान स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट. अच्छा बाद में ड्यूरिंग द वर्क
फाइव थिंग्स क्या प्रॉमिस ड्यूरिंग द वर्क अपन क्या देंगे उनको पहले यहाँ पे आएगा सिग्निफिकेंट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज अकाउंटिंग एस्टीमेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्क्लोजर्स अच्छा सेकंड क्या आएगा सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज क्या डिफिकल्टीज सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज पहले क्या आएगा टाइम के बारे में अननेसेसरी डिले लेस टाइम टू कंप्लीट द ऑडिट इन्फॉर्मेशन ज्यादा एक्सटेंसिव एफर्ट इन्फॉर्मेशन कम अनरेडी ऑफ एक्सपेक्टेड इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ने दिया नहीं डिसीजन इंपोज बाय द मैनेजमेंट मैनेजमेंट अनरेडी ऑफ मैनेजमेंट टू असेस द गोइंग कंसर्न क्राइटेरिया टाइमिंग इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट टाइम इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट टीम करके याद रख क्लियर है ओके अब दैट वी हैव डन यू नो टीसीबी एंड मैनेजमेंट आर द सेम एबीसीडी क्या हो रहा है एबीसीडी अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर माने क्या आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तेरा फीस एसेस इसके बारे में विल डिस्कस विद देम माने कि नेक्स्ट क्या आएगा तेरा उसके पास चेंज इन द बिजनेस कंडीशन उसका क्या करेंगे अपन बात ठीक है माने उसके बाद क्या आएगा डी से डिसएग्रीमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड द मैनेजमेंट एंड लास्ट में क्या आएगा बरो इवेंट एंड ट्रांजेक्शन दैट आर सिग्निफिकेंट सिंपल यहां पे एंड लास्ट में रिटन रिप्रेजेंटेशन वाज रिक्वेस्टेड बट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम देयर एंड नेक्स्ट आएगा जरा उसके बाद सर्कमस्टेंसेस दैट अफेक्ट द फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट सिंपल एंड लास्ट में क्या आएगा अदर सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या बोल रहा हूं अदर सिग्निफिकेंट मैटर्स इफ इट्स अ लिस्टेड एंटिटी देन व्हाट आर वी विल कम्युनिकेट एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या बोल रहा हूं मैं टॉप में था यहां पे एथिकल रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस ऑल रिलेशनशिप्स रिगार्डिंग नेटवर्क ऑफ फर्म्स फर्म्स जिसका मेरा नाता है उसके साथ आर से क्या आएगा रिलेटेड सेफगार्ड्स दैट रिगार्डिंग थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस दैट वी हैव टेकन फ्रॉम आवर साइड दैट वी कम्युनिकेट नेक्स्ट आएगा तेरा उसके बाद दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन विद द टीसी लॉबी अच्छे से बोलना है की चेंजेस मैनेजमेंट से लो से बोले की से क्या आएगा की और एक एक ऑडिट की ऑडिट मैटर इफ यू ऑलरेडी कम्युनिकेटेड देन समराइज्ड वे चेंजेस इन द गवर्निंग बॉडी की चेंजेस मैनेजमेंट मैनेजमेंट हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट से आएगा तेरा दो पॉइंट साइज ऑफ द एंटिटी एंड स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क ई से आएगा expectation of the TCWG from the auditor L legal requirement O se kya aega ongoing dialogue class wala wapas bol mere sath pehle kya aega wahan pe key se kya aega key audit matters acha one way aega changes changes in the governing body acha key changes management management has already informed TCWG one kya aega size of the entity special purpose framework E se legal requirement X E se legal kaise re kaun sa school gaya tha bola E se एक्सपेक्टेशन क्या हमें एक्सपेक्टेशन क्लियर है फ्रॉम द टीसीओजी फ्रॉम द ऑडिटर क्लियर है अच्छा उसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट एंड लास्ट में ऑन गोइंग डायलॉग क्या हमें ऑन गोइंग डायलॉग इजी आ गया क्लियर एकदम पक्का नाउ लेट्स सी SA 265 revision communicating deficiencies in internal control with TCWG and the management. अभी इसमें अपन क्या देख रहे थे बेसिकली कि अगर कोई इंटरनल कंट्रोल में कमी आ रहेगी तो मैनेजमेंट से कम्युनिकेट कभी करेंगे तो इसमें पहले देखना पड़ेगा कि when is internal control said to be deficient. देखते क्या लिखा Internal control is said to be deficient when control is designed, implemented and operated but is unable to prevent or correct misstatements in FS. अगर कंट्रोल में खुद से कमियां है और when control is missing, जब भी कंट्रोल है ही नहीं तो एक तो कंट्रोल है लेकिन बरोबर चल नहीं रहा है या तो फिर कंट्रोल है ही नहीं दूसरा आइडेंटिफाई डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल दैट इज टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स नाउ इधर अपन देख रहे हैं कि मैनेजमेंट किस तरीके से आइडेंटिफाई करेगा कि इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज है या नहीं है तो यहां पर क्या देखना पड़ेगा यहां पर पहले देखते हैं क्या लिखा यहां पर कंसिडर द मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग तो यहां पर अपन एक्शन किया था कंसिडर द मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग माने अपन क्या करेंगे मैनेजमेंट क्या करेगा एक्सेप्शन को नोट करेगा एक्सेप्शन नोटेड बाय द मैनेजमेंट और तीसरा लास्ट में आएगा वहां पर preliminary indication relation to how is the management going to respond to it dekha likhta hai yahan pe preliminary indication from the management of its response to the finding to pehle kya dekh rahe hain apan we are trying to understand ki management internal control se deal kaise kar raha hai isse apan pehle dekhenge ki management ka understanding kaisa hai management ne isko note kiya ya nahi kiya and last mein management iska response kaise dene wala next when are deficiencies said to be significant deficiencies आप कब deficiencies को significant deficiencies बोलोगे पहले देखो क्या लिखा यहां पर indicators of significant deficiencies आराम से करते हैं इधर अपन ने keywords पकड़े थे if the management is interested if there is a case of management fraud or if the management's failure is there in relation to what
implement the approval, remedial action, या management failure is there in relation to what? To oversee the preparation of FS. Simple है. तो management is interested, management fraud, management failure to oversee, क्या बोल रहा हूं मैं, preparation of financial statements, management's failure to take what? Remedial action. आगे risk assessment process के बारे में तीन common points है risk assessment process के बारे में. उधर लिखा है if it is absent, ineffective, it is in place but there is no effective response to, क्या लिखा है, risk. रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है ही नहीं, एब्सेंट है लेकिन चल रहा नहीं है, इनइफेक्टिव. तीसरा है, चल रहा भी है लेकिन उससे रिस्क रुक रहा नहीं है, नो इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू द रिस्क. आगे मिसस्टेटमेंट्स आर डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर बट आर नॉट प्रिवेंटेड और करेक्टेड बाय द मैनेजमेंट. तो ऑडिटर ने अगर डिटेक्ट भी किया है तो मैनेजमेंट उसको फ्यूचर में होने से रोक रहा नहीं है, प्रिवेंट नहीं कर रहा, या अभी के मिसस्टेटमेंट्स को करेक्ट नहीं कर रहा. लास्ट में प्रायर पीरियड आइटम्स आर अपियरिंग इन द, क्या लिखा यहां पे, करंट पीरियड. सिंपल है यहाँ पे, इजी. आगे नेक्स्ट अपने देखा था यहाँ पे कम्युनिकेटिंग इन राइटिंग टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट. अगर ऑडिटर को गड़बड़ मिला तो ऑडिटर इनको बताएगा, देखते कैसे लिखा, दोनों को बताएगा सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल दैट विल बी इन्फॉर्म टू बोथ मैनेजमेंट को, और छोटी मोटी जो गड़बड़ है वो भी बताएगा इवन इफ दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, तो दैट इज अदर डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल. टीसीडब्ल्यूजी को कब बताएगा, देखते क्या लिखा है, कम्युनिकेशन शुड बी डन ऑन अ टाइमली बेसिस so that they can discharge their oversight responsibilities. If it's the TCWG of a listed company, then it should be done before the approval of the FS. Other entities रहेगा तो later date रहेगा तो भी चलेगा. ऐसे लिखा वहाँ पे. Easy आगे. अगर हमने यहाँ पे deficiencies in internal control को देखा, तो हमें report कैसे करना चाहिए? तो next हमारा answer आएगा यहाँ पे contents of report. उसमें लिखा हुआ है, communication is intended solely for the information of the management or the audit committee. Purpose of audit is to express opinion on financial statements, description of deficiencies and their effects, information for management to understand its effects, and finally matters in this report are limited to deficiencies having क्या लिखा है sufficient importance, जो important रहेंगे वो. इसका मैंने code किया था many matters करके, that is a matter is only for the management or the audit committee. दूसरा auditor का normal काम है to express opinion on financial statements. तीसरा in this we are putting deficiencies and their effects यार अपन बात कर रहे हैं. Next this is information only for the management and last mein the matters are of sufficient importance hoenge to hi hum report karenge yahan pe. I hope it is clear. That is your essay 265.